रेलवे में पहले एक बहुत बड़ा इश्यू था, जो बच्चे IRS से PA जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते थे उन्हें एक साल देते थे कि आप अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप एक साल चले जाइए, उसके बाद आप चले जाइए, मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप रेलवे में आ जाइए। रेलवे को ऑलरेडी पता है कि IAS और IPS के आगे रेलवे कभी प्रेफरेंस नहीं होगा। अच्छा, एक सिंगल बंदा मुझे लिए ये जो ये कह दे कि सिविल सर्विसेज के थ्रू IRMS में गया और दोबारा पेपर नहीं लिखे, अरे IPS तक लोगों की प्रेफरेंस नहीं है, आप IRMS को प्रेफरेंस बना दो। अच्छा, जो बच्चा सिविल सर्विसेज के थ्रू प्रिपेयर कर लेगा वो कभी रुकेगा ही नहीं IRMS में, अगर रुक भी गया उसके दो चांस होंगे, या तो उसकी एज पूरी हो जाएगी या उसके पास क्या हो जाएगा, उससे एग्जाम नहीं निकल रहा, वो कभी खुश रहेगा रेलवे में, कभी खुश नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर प्राइवेटाइजेशन आपको करना है जहां तक मुझे दिखता है, अच्छा सिर्फ रेलवे में नहीं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी यही हाल किया, आपके PCLP जो है आपको 3 साल हो गए रोके हुए, आपने एंट्रेंस बंद कर दिया आपने, ठीक है आप डायरेक्ट उठा रहे हैं या बंद कर दिया आपने, आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर दीजिए, मुझे ठीक है समझ आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, बाहर से कंसल्टेंसी लेंगे। नॉन टेक बंदा बाहर से कंसल्टेंसी ले सकता है, इवन वो टेंडर नहीं बना सकता, अगर टेक्निकल चीजों की बात की जाए तो अब कंसल्टेंसी कोटेशन वगैरह को वेरीफाई करना बहुत दूर की बात है। बच्चे प्राइवेट जॉब में जाने को तैयार है, सब बच्चे प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 मिलती है और बच्चा 10 लाख रुपए देके आया है, आइए IIT NIT10,000 रुपए में आप जाएंगे। रेलवे वाला स्टाफ मैं मानता हूँ बिजी रहता होगा, अरे जब रेलवे बंद हो गया था कोविड, कितना टाइम लगता है एक डिसीजन को लेने में आपको, कितना टाइम लगता है, 3 साल, और उस 3 साल में भी रेलवे में पहले ग्रुप ए में एंट्री करने के दो तरीके थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, उसमें से 3 सर्विस थी सिविल सर्विसेज में और 5 थी इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो इंजीनियर्स की 75% थी और अब आपको ऑल ऑफ अ सडन एक भी इंजीनियर नहीं चाहिए, मतलब आप किससे काम करवाएंगे आप, तो ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, ना तो आप PSU में ले रहे हैं, ऑर्डिनेंस आपने बंद कर रखा है, आपने रेलवे भी बंद कर दिया, प्राइवेट में हम जाते हैं तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर के अलावा तो इंडस्ट्री है नहीं, 10,000 रुपए के बजाय आप ना वहां जा सकते हैं, गवर्नमेंट जब आपने बंद कर दिया है हम जाएं कहां। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, सिविल सर्विसेज में अगर कोई इंजीनियर इंटरव्यू में अपीयर होता है तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं कि तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते, हमें 3D मूवी बनाते हो और हमें बताते हो समझाते हो कि इंजीनियर इंजीनियर बने और फिर हमारे सर पे बैठा दोगे डिपार्टमेंट वाले को, हम क्यों करेंगे भाई, तुम नहीं करेंगे हम भी वही करेंगे, तो हमसे कोई शिकायत है, हम कहाँ जाए भाई। अच्छा, ये हाल तब है जब 11th 12th का बेस्ट ब्रेन, अब अगर मैं जब 11th में था मैंने जहाँ तक देखा जितने भी पढ़ने में अच्छे बच्चे थे 90% ऑप्टेड फॉर द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, अब ये तो हमसे क्राइम हो गया, फिर ये तो हमसे गलती हो गई, और बात करते हैं मेड इन इंडिया की, अरे आप बना पाओगे मेड इन इंडिया कुछ, आप सारा पैसा आपने आजादी के 75 साल हो गए आप कहाँ पे रफाल खरीदते हो, आप जो भी मैं गलत और सही नहीं कह रहा हूँ, खरीदना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपसे बनता नहीं है, यहाँ पे आप बनवा लो नॉन टेक, आप नॉन टेक से बनवा लो, अरे आप नॉन टेक से आपके छोटी सी गाड़ी का आप रिपेयर करवा लो, दूर खड़ा होता है हाथ भी नहीं लगाता है, कम से कम इंजीनियर को ये पता होता है ऑयल सब होता है कि गियर बॉक्स होता है, आप कैसे करेंगे, सबसे पूरे इंडिया के बजट का सबसे ज्यादा डिफेंस में जाता है, डिफेंस में सारे इक्विपमेंट खरीदते हो, आपने ऑर्डिनेंस को भी बंद कर रखा है, अरे आप कुछ भी करिए बट इंडिया में करिए तो सही, इंजीनियर्स प्रायोरिटी नहीं है, बाकी आप जब विदेश जाएंगे तो आप मार्क जकरबर्ग से मिलेंगे और आप इलोन मस्क से मिलेंगे, ये भी तो देख लो, इलोन मस्क मैनेजमेंट का बंदा है कि टेक्निकल बंदा है, वहाँ आपको कैसे याद नहीं आता, आप किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, इसी तरह चलाते रहिए आप सरकार में भी, जो मतलब मुझे तो एक बात ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि IRMS में सेलेक्ट होने के बाद कोई चूज करेगा ही नहीं उसे,
वो बच्चा IAS के लिए तड़पता रहेगा। तो मेरा सरकार से ये दरखास्त है कि आप इस डिसीजन को दोबारा देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है, आप डिबेट कर लीजिए, इसे आप जस्टिफाई कर दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। मुझे लगता है ये बहुत नाजायज किया गया है, ये सोचा ही नहीं गया है, ये थोपा गया है हम पे, ये चीज इसमें थोप दिया गया है। अब अगर ऐसी सरकार है तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब ये प्यार से सुन ही नहीं रहे हैं तो हमें कोशिशें करती रहनी पड़ेंगी। अच्छा नहीं, मैं सुबह आज सुबह आने से पहले मेरी बात हुई है IRSME इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के एक आपके पास ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि सर बस ये बता दो नॉन इंजीनियर इंजन को कैसे चलाएगा। आपके स्टीम लोकोमोटिव से हम डीजल लोकोमोटिव पे आए, डीजल लोकोमोटिव से हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे आए, आप मुझे नॉन टेक वाला बंदा बाहर वाले कहीं से भी ले आइए, मुझे समझा दीजिए क्या डिफरेंस है, कैसे वो टैकल कर लेगा, कैसे वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही नागुजारा सा है कि कैसे वो इस काम को टेक्निकली कर पाएगा, और ये कैसे नॉन टेक वाले बंदे करेंगे। मतलब सीधा थोप दिया गया, हमने 3 साल हम इसका वेट करते रहे, और ये थोपा भी तब आया भी तब जब वो प्रोटेस्ट हुआ, उसके 15 दिन बाद कैसे वैकेंसी बन जाती है, और सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका था, उसके नोटिफिकेशन आने के बाद वैकेंसी रिवाइज हो जाती है। तो ये सरकार जिस तरह के रवैया अख्तियार करती है, फॉर्म भरने में 5 दिन दिया, क्या कह रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए 5 दिन दिए, हाँ फॉर्म भरने के लिए 5 दिन दिए 5 दिन बाद रूरल बैकग्राउंड में ऐसे लोगों का जिसको पता लगता है, क्योंकि उनके ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि उनको उसी दिन पता लग जाए। तो आप इस तरह से 15 दिन में आपके पास आ गया नोटिफिकेशन, 15 दिन में, वरना 3 साल में नहीं आया। ब्रेन ड्रेन की बात करते हो, अब इन बच्चों में से जितने भी स्टूडेंट हैं अब ये क्या करेंगे, जब इंजीनियर्स के लिए तो कुछ बचा नहीं है, ना तो गवर्नमेंट में बचा है, प्राइवेट वाला 10,000 की नौकरी देता है, ऊपर से कहता है किसी भी दिन निकाल दूंगा। एक यूपी से बच्चा आता है, 10,000 की यहाँ नौकरी मिलेगी और उसका किराया है 10,000, वो खाएगा क्या ये बता दीजिए, और ऊपर से कंपनी वाला धमकी देता है कि हम निकाल देंगे, किसी लायक नहीं हो, वो क्या करेगा बच्चा, MS करेगा और बाहर रुकेगा, फिर वो ब्रेन ड्रेन की। और फिर बात करते हैं कि वहां से आपके पास सत्या नडेला वापस आ जाए, आ जाएगा आपको लगता है सुंदर पिचाई कोई आएगा या कोई ऐसे सर्विस, आप चलो ठीक है हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकते, अरे सम्मान तो दे दो, हमें सम्मान ही दे दो, हम तो इसके भरोसे निकलेंगे, सम्मान तो दे दो। कि हमें हमेशा ये क्यों जताया जाता है कि इंजीनियरिंग आप कितनी भी कर लो आपके ऊपर कोई और मैनेजमेंट का आके बैठेगा, भाई क्लास 1 ऑफिसर हम बन ही नहीं सकते, फिर तो ग्रुप ए में हम एंटर ही नहीं कर सकते कभी भी। हमें मतलब आपने अगर कभी प्रमोटी IPS को देखा हो, प्रमोटी IAS को देखा हो, और जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हो, मैं आपको बता देता हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं रेगुलर जो जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आता है IAS, और जो प्रमोटी IAS ऑफिसर होता है, उनमें यहाँ तक गैप होता है कि दे फील लाइक कि हम इक्वल नहीं है। हमें रेलवे में भी आप हमें यही फील दोगे, अरे सम्मान दे दो हम देश के लिए कुछ कर देंगे, इतना बस मांग रहे हैं। मुझे लगता है सम्मान हमारा हक है, अरे हमें आप पूरा पेपर की तैयारी करेंगे, हम टेक्निकल पढ़ेंगे, बट हमें रखोगे हमेशा जूते के नीचे, बट हम मेहनत क्यों करेंगे। Austria! 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 Austria!